पल पल की खबरों को पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, रहिए लगातार पावर ऑफ जनाधिकार आपके साथ, हर खबर आप तक। बाराबंकी ब्लॉक खंडहरक ग्राम पंचायत बादीपुर में माननीय मंत्री द्वारा सिंह चौहान द्वारा गैस कनेक्शन निःशुल्क वितरण किए गए, लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। ग्राम पंचायत सुजनीपुर में जमीन पर बैठकर खाना खाया, खाने की गुणवत्ता कुछ जमीनी स्तर से देखा जाना, वही शौचालय सफाई की गुणवत्ता को देखा गया। रात्रि में इसरौली सेठ अभीपुर में रात्रि प्रवास किया, सुबह देख उठकर सफाई कर्मी कभी जायजा लिया गया, देखा कि और परखा गया। इस अवसर पर जयपुर विधायक उपेंद्र सिंह रावत, दरियाबाद विधायक सतीश चंद्र शर्मा, बाराबंकी भाजपा महामंत्री हर्षित वर्मा, जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव, शासकीय अधिवक्ता राम सिंह चौहान जी, जिलाधिकारी उदय भान त्रिपाठी, CDO अंजनी कुमार, DDO खंड विकास अधिकारी योजना जो है मौजूद रहे। पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो आज कार्यक्रम हो रहा है, आज इसके माध्यम से मैं तो कह सकता हूँ कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस आज़ादी के 70 साल पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसी देश के गरीबों के हित के लिए, क्योंकि हमारी सरकार किसी जात की बुनियाद पर नहीं, किसी धर्म किसी मजहब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस देश में जो गरीब है, जो आज़ादी के 70 साल तक उपेक्षित पूरी थे, जिनका कोई पूछने वाला नहीं था, आज उस गरीब आदमी को लगा कि मोदी जैसा रखवाला भी हमारे पास है। तो जिस तरीके से मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, क्योंकि आज़ादी के 70 सालों तक लोगों ने गरीबों को साथ तो दिया, लेकिन सरकार बनाने के बाद विकास कुछ लोगों का हुआ, इसलिए मोदी जी ने नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। ऐसे तमाम गरीबों के विकास के लिए जो उन्होंने भारत सरकार से जितनी योजनाएं चलाने का काम किया है, और इतनी योजनाएं, और उन्होंने जो नारा दिया कि 22 तक ऐसे तमाम जो गरीब लोग जो है, जो बेसहारा लाल जो लाचार है, बेबस हैं, जो आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर है, ऐसे लोगों को 22 तक जो है एक पक्का छत देंगे, इससे पूरे देश का गरीब जो है पूरी तरीके से सुचाई। केंद्र सरकार दलितों की बात करती है, लेकिन क्या वजह रही कि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि दलितों को सड़क पर उतरना पड़ा?